गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग चंदा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग चंदा। आपके पास नोटिस आ गया क्या बेटा? कोई नोटिस आया क्या अभी ग्रुप पे? अच्छा, हाँ मैम, छुट्टी होगा है क्लासेस उस समय आपकी होंगी या मैम, उस समय नहीं होएगी। नहीं? अच्छा, जो जो आपका अवकाश के लिए लिखा है उस समय क्लासेस थोड़ी होंगी चंदा? नहीं मैम, मैम गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग प्रियंका। गुड मॉर्निंग।
आज लेते हैं अपन, कल रहे थे एस्क्लीपीएडेसी, तो आज बात करेंगे एफिनिटीज एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स ऑफ द फैमिली एस्क्लीपीएडेसी, मतलब एस्क्लीपीएडेसी कुल की बंधुता एवं जाति वृत्तीय संबंध क्या है। तो एपोसाइनेसी की एस्क्लीपीएडेसी से स्पष्ट बंधुता परिलक्षित होती है, जैसे अधिकांश सदस्यों का शुक या कठलता या वृक्ष होना, पादप शरीर में दूधिया लेटेक्स की उपस्थिति, पुष्प का पंचतई होना, अंडाशय दोनों के अनेक सदस्यों में पृथक होते हैं परंतु अपने विशिष्ट पुमंग पॉलीमिया तथा कोर स्पर्शी दलपुंज के कारण एस्क्लीपीएडेसी को आसानी से पहचाना जा सकता है। मतलब एस्क्लीपीएडेसी फैमिली एपोसाइनेसी से बंधुता मतलब दर्शाती है, सिमिलरिटी दर्शाती है, कैसे कि अधिकांश सदस्यों में, चाहे वो एपोसाइनेसी के हों चाहे एस्क्लीपीएडेसी के हों, उनमें शुभ भी पाई जाती हैं, श्रब्स भी पाई जाती हैं, लाइनास कठलताएं भी पाई जाती हैं, वह वृक्ष ट्रीज भी पाए जाते हैं, और इनके जो भी प्लांट्स एस्क्लीपीएडेसी या एपोसाइनेसी कुल में सम्मिलित किए गए हैं उनके पादप शरीर में दूधिया लेटेक्स, मिल्की लेटेक्स भी पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एस्क्लीपीएडेसी एंड एपोसाइनेसी, एक बार रेखा चौधरी आ गई है, रेखा चौधरी को एडमिट कर देती हूँ, रेखा चौधरी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एस्क्लीपीएडेसी व एपोसाइनेसी आपस में बंधुता दिखाई, आपस में बंधुता शो करते हैं, मतलब दोनों कुल में एपोसाइनेसी में व एस्क्लीपीएडेसी फैमिली में फ्लावर्स पंचतई होता है, पेंटा मैरस होता है। अब आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द फैमिली एस्क्लीपीएडेसी, मतलब एस्क्लीपीएडेसी कुल की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व क्या है। तो एस्क्लीपीएडेसी कुल में कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है, कुछ शोभाकारी प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है, और क्या क्या शोभाकारी पादप है जो कि एस्क्लीपीएडेसी कुल में सम्मिलित है। तो पहला है बेटा, अपन बात करते हैं होया, लगा दी बेटा लगा दी, ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से, होया कारमोसा, होया कारनोसा, होया एच ओ वाई ए सी ए आर एन ओ एस ई सी ओ, होया कारनोसा एच ओ वाई ए सी ए आर एन ओ एस ए, होया कारनोसा जो कि वैक्स प्लांट है, एस्क्लीपीएडेसी कुल में ऑर्नामेंटल प्लांट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार स्टेपेलिया जाइजेंटिया जो कि कैरियन फ्लावर के नाम से जाना जाता है, ये भी शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार सीरोपीजिया बल्बोसा जो कि पेलिकन फ्लावर के नाम से जाना जाता है, ये भी एस्क्लीपीएडेसी कुल में एक ऑर्नामेंटल पादप है। नेक्स्ट है क्रिप्टोस्ट्रिजिया ग्रैंडिफ्लोरा जिसको कि रबर वाइन के नाम से भी जाना जाता है, दूधी बेल कहलाता है या रबर बेल, ये क्रिप्टोस्ट्रिजिया भी एस्क्लीपीएडेसी में शोभाकारी पादप है। इसी प्रकार स्टीफेनोटिस फ्लोरीबंडा, स्टीफेनोटिस फ्लोरीबंडा तारा फूल है जो भी एस्क्लीपीएडेसी कुल का ऑर्नामेंटल प्लांट है। नेक्स्ट है एस्क्लीपियास, एस्क्लीपियास एस्क्लीपियास कुरासाविका जो कि मिल्क वीड और ब्लड फ्लावर बासंती के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं मेडिसिंस की, कौन कौन से ऐसे औषधीय पादप है जो कि कुल एस्क्लीपीएडेसी में सम्मिलित किए गए हैं। तो एक है टाइलोफोरा इंडिका, टाइलोफोरा इंडिका अंतमूल दमा मार, इस पौधे की पत्तियां दमा एवं काली खांसी नामक रोगों में लाभकारी होती है। मतलब टाइलोफोरा इंडिका की जो लीव्स है
वो अस्थमा में, दमा में व काली खांसी नामक रोगों में, डिजीजेस में लाभकारी होती है। इसी प्रकार है, नाम है जिमनेमा, जिमनेमा सिल्वेस्ट्री, जिमनेमा सिल्वेस्ट्री, गुड़मार की पत्तियां मधुमेह रोग का प्रभावी एवं लाभदायक उपचार है। मतलब जिमनेमा सिल्वेस्ट्री की पत्तियां क्या करती हैं, डायबिटीज मधुमेह रोग के उपचार में लाभकारी होती हैं। इसके अतिरिक्त जिमनेमा सिल्वेस्ट्री का उपयोग, पत्तियों का उपयोग पेट दर्द एवं खांसी में भी किया जाता है। इसी प्रकार परगुलेरिया डेविया, परगुलेरिया डेविया की पत्तियां वमनकारी होती है, एमेटिक होती है एवं कफ निकालने वाली होती है। नेक्स्ट है हेमीडेस्मस, हेमीडेस्मस इंडिकस अनंत मूल या भारतीय सारसा परीला, इंडियन सारसा परीला, इसको और क्या कहते हैं, हेमीडेस्मस इंडिकस को इंडियन सारसा परीला। तो इस पादप की जड़ें, हेमीडेस्मस इंडिकस की जड़ें रक्त शोधक होती है। इसका उपयोग पुराने गठिया रोग तथा मूत्र एवं त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। इसकी जड़ें हेमीडेस्मस इंडिकस की रूट्स सांप व बिच्छू के काटने पर प्रतिविषकारक एंटीडोट के रूप में भी काम में ली जाती है। इसी प्रकार सार्कोस्ट्रेमा एसिडम, सार्कोस्ट्रेमा एसिडम के सूखे तने में वमनकारी गुण होते हैं तथा सार्कोस्ट्रेमा एसिडम की जड़ों का उपयोग भी सर्पदंश के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट है केलोट्रोपिस प्रोसेरा, तो केलोट्रोपिस प्रोसेरा को और क्या कहते हो आप, आंख या मदार या आंकड़ा, तो आंकड़े की जड़े खांसी के उपचार में काम आती हैं। केलोट्रोपिस प्रोसेरा पौधे के रबर शीर से अनेक औषधियां बनती हैं। अन्य यूजेस क्या है, अदर यूजेस क्या है, क्रिप्टोस्टिजिया मैंडीफ्लोरा रबड़ का एक प्रमुख स्रोत है। इसी प्रकार केलोट्रोपिस प्रोसेरा एवं केलोट्रोपिस जाइजेंटिया से प्राप्त लेटेक्स को चर्म शोधक उद्योगों में बदबू दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। लेप्टाडेनिया पायरोटेक्निका, परगुलेरिया डेमिया एवं केलोट्रोपिस जाइजेंटिया से प्राप्त रेशा रस्सी, मछली पकड़ने के जाल एवं सूतली बनाने के काम आता है। इसी प्रकार सीरोपीजिया ट्यूबरोसा के कंद खाने के काम आते हैं। तो अब बात करते हैं कुल एस्क्लेपियरेसी के प्रारूपिक पादप का वनस्पतिक वर्णन, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल प्लांट फ्रॉम द फैमिली एस्क्लेपियरेसी। तो आप सभी लोग जानते हो केलोट्रोपिस प्रोसेरा, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, केलोट्रोपिस प्रोसेरा की, आग की, आंकड़े की या मदार की। तो केलोट्रोपिस प्रोसेरा का स्थानीय नाम क्या है, आंख, आंकड़ा या मदार। अब देखते हैं प्रकृति एवं आवास, केलोट्रोपिस प्रोसेरा का हैबिट व हैबिटेट क्या है, तो ऊसर एवं बंजर भूमि में पाया जाने वाला सामान्य झाड़ी है। ऊंचाई 2 से 2.5 मीटर तक होती है। इसके तरुण भाग एवं निचली सतह सफेद भुरभुरी परत से ढके होते हैं। केलोट्रोपिस प्रोसेरा पौधे के सभी भागों में मिल्की लेटेक्स, दूधिया लेटेक्स उपस्थित होता है। अब है रूट, मतलब
केलोट्रोपिस प्रोसेरा में शाखित मूसला जड़ पाई जाती है। दूसरा है नेक्स्ट स्टेम स्तंभ, केलोट्रोपिस प्रोसेरा के आधारीय भाग मतलब केलोट्रोपिस प्रोसेरा में स्टेम स्तंभ का आधारीय भाग काष्ठीय होता है एवं स्टेम का स्तंभ का ऊपरी भाग शाखीय होता है और तना ठोस होता है, शाखित होता है, बेलनाकार होता है, सघन रोमिल होता है, टोमेंटोज होता है। नाउ लीफ पर लीफ एवरंथ होती है, वह सम्मुख एवं क्रॉसित होती है। केलोट्रोपिस प्रोसेरा में आंकड़े में पत्तियां पर्ण सरल होती हैं, एक्स स्टिपुलेट होती हैं, मतलब लीफ में अनुपर्ण उपस्थित नहीं होते, वह सेमी एम्प्लेक्सिकल होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार से लेकर अंडाकार होती हैं, अच्छिन्न कोर होती हैं, वह सघन रोमिल होती हैं, टोमेंटोस होती है, अर्थात सघन ऊन जैसे रेशों से आच्छादित रहती हैं। और पत्तियां केलोट्रोपिस प्रोसेरा में चर्मिल होती है, लेदरी होती है, वह शिरा विन्यास एक श्रीय जालिकावत होता है। इसी प्रकार कैसा इन्फ्लोरेसेंस पुष्प क्रम पाया जाता है केलोट्रोपिस प्रोसेरा में, तो केलोट्रोपिस प्रोसेरा में पुष्प क्रम कक्षस्थ क्षेत्र की सह सीमाक्षी पाया जाता है। कैसा होता है पुष्पक्रम? एक्सिलरी अम्बेलेट साइम प्रकार का पुष्पक्रम केलोट्रोपिस प्रोसेरा में पाया जाता है। इसी प्रकार अफ्लार कैसा है केलोट्रोपिस प्रोसेरा का? तो पुष्प कैसा है? पुष्प सेवरंत होता है, पूर्ण होता है, नियमित होता है, त्रिज्या सममित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, द्विलिंगी होता है, वह अधोजायंगी एपिगाइनस व पेंटामेरस पंचतई होता है, वह चक्रिक होता है। अब बात करते हैं कि केलोट्रोपिस प्रोसेरा आंकड़े में बाह्य दलपुंज कैसा होता है। तो केलोट्रोपिस प्रोसेरा में पांच सेपल्स होती हैं, पांच बाह्य दल होती हैं, पृथक बाह्य दली या आधार पर जुड़े हुए हरे कैलिक्स कैसे होते हैं? कैलिक्स मतलब बाह्य दल मतलब सेपल्स हरी होती हैं, ग्रीन होती हैं और विन्यास कोर छादी होता है मतलब इम्ब्रिकेट पाया जाता है। विन्यास कैसा होता है? इम्ब्रिकेट होता है, वह इम्ब्रिकेट विन्यास होता है, ठीक है, और या इम्ब्रिकेट क्विनकंशियल विन्यास पाया जाता है। नाउ दलपुंज कोरोला केलोट्रोपिस प्रोसेरा में कैसा होता है? तो पेटल्स पांच होती हैं। आंकड़े में दलपत्र पांच होते हैं जो कि संयुक्त दलीय होते हैं, गेमू पेटेलस होते हैं, हल्के बैगनी गुलाबी व सफेद रंग के पेटल्स पाए जाते हैं और विन्यास व्यावर्तित होता है, ट्विस्टेड विन्यास होता है। नाउ देखते हैं पुबंग कैसा होता है इसमें, मतलब एंड्रोशियम कैसा होता है केलोट्रोपिस प्रोसेरा में। तो आंकड़े में पुंकेसर पांच पाए जाते हैं और ये पुंकेसर एक संघी एवं दल लग्न होते हैं। द स्टेमेंस आर मोनो एडल्फस, पुंकेसर मोनो एडल्फस होते हैं, एक संघी होते हैं, एपिपेटेलस दल लग्न होते हैं एवं जायांग को घेरे हुए होते हैं। पराग कोश एवं वर्तिकाग्र जुड़कर गाइनोस्ट्रिजियम बनाते हैं। अब आपसे पूछते हैं कि गाइनोस्ट्रिजियम क्या होता है, तो आप लिखोगे फ्यूजन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड एज गाइनोस्ट्रिजियम, मतलब पराग कोश एवं वर्तिकाग्र जुड़कर गाइनोस्ट्रिजियम का निर्माण करते हैं। प्रत्येक पुंकेसर दो पॉलिनिया एवं रेटिनेक्यूली में बटा होता है। पास वाले पराग कोशों के पराग पिंड अपनी रेटिनेक्यूली द्वारा कॉर्पस क्यूलम से जुड़कर
एक संयुक्त संरचना ट्रांसलेटर बनाते हैं। अब बात करते हैं जायंग की, गाइनो गाइनोशियम की। तो गाइनोशियम बाई कार्पलरी होता है, डी अंडपी होता है। प्रत्येक अंडप के अंडाशय स्वतंत्र होते हैं, वर्तिकाएं नीचे से पृथक परंतु ऊपर की ओर संयुक्त पंचकोणीय वर्तिकाग्र क्षेत्र स्टिग्मेटिक हेड बनाती हैं। अतः आंशिक रूप से जायांग युक्तांडपी पार्शियल सिनकार्पस कहा जा सकता है। प्रत्येक अंडाशय एक कोष्ठीय उच्चवर्ती सुपीरियर होता है, मतलब ओवरियस सुपीरियर एवं मार्जिनल प्लासेंडेशन सीमान प्लासेंडेशन पाया जाता है। अब कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में मतलब आंकड़े में फ्रूट क्या कहलाता है? फोलिकल का जोड़ा। तो एक स्लाइड मैं शेयर करती हूँ भैया आप लोगों के साथ, जिसमें अपन देखेंगे अभी। हाँ बेटा, हाँ अपन ने क्या देखा था अभी तक बेटा? कैरेक्टर्स ऑफ एस्क्लेपियडेसी। एस्क्लेपियडेसी कुल के कैरेक्टर्स क्या थे कि प्लांट्स आर हर्ब्स श्रब्स एंड मोस्टली ट्वाइनर्स। प्लांट्स कौन कौन से हैं? शाक है, श्रब्स है मतलब शुभ है, और ट्वाइनर्स भी है, और बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं। पत्तियां कैसी थी एस्क्लेपियडेसी में? अपोजिट क्रम में व्यवस्थित थी, सम्मुख क्रॉसित क्रम में व्यवस्थित थी। एंड द लीव्स वर सिंपल एंड एंटायर मार्जिन, मतलब लीव्स क्या है? सरल है, पत्तियां सरल हैं, उनके मार्जिन उपांत कैसे हैं? एंटायर हैं। एंड रेयरली अल्टरनेट, मतलब कभी कभी लीव्स एकांतर क्रम में भी व्यवस्थित होती हैं। और पुष्प क्रम कैसा पाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंसेस साइमोज और रेसिमोज। फ्लावर्स कैसे हैं? हर्माप्रोडाइट। एस्क्लेपियडेसी कुल में जो पुष्प है वो कैसे हैं? हर्माप्रोडाइट है, पंचतई है, पेंटामेरस है। और जो कैलिक्स है, कैलिक्स को अपन क्या कहेंगे हिंदी में? भाई ये दलपुंज। कैलिक्स इज ऑफ फाइव सेपल्स, मतलब पांच सेपल्स पाई जाती हैं। तो भाई ये दल कितने होते हैं? पांच, जो कि कैसे हैं बेटा? कोर शादी विन्यास है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इसी प्रकार जो पेटल्स है, पेटल्स का मतलब दलपत कितने हैं? पांच हैं। और ये गेमोपेटेलस है, मतलब संयुक्त दलिये हैं। जब दलपत्र आपस में संयुक्त होते हैं तो टर्म क्या यूज होती है बेटा? गेमोपेटेलस। एंड कोरोना अराइजिंग एज आउटग्रोथ ऑफ पेटल्स और स्टेमेंस। स्टेमेंस कितने हैं? पांच हैं। पुंकेसर की संख्या कितनी है? पांच है। और ये जो स्टेमेंस हैं, दीज आर फ्यूज विद द स्टिग्मेटिक डिस्क फॉर्मिंग गाइनोस्टीजियम। तो आप गाइनोस्टीजियम क्या होता है बेटा? कि स्टेमेंस स्टिग्मेटिक डिस्क के साथ, वर्तिकाग्र डिस्क के साथ फ्यूज होकर, संयुक्त होकर गाइनोस्टीजियम का निर्माण करते हैं। पोलेंस फॉर्मिंग पोलिनिया। कार्पल्स बाई कार्पिलरी, जो कार्पल हैं वो डी अंडपी होते हैं। सिन कार्पस होते हैं, मतलब युक्ता अंडपी होते हैं। और ओवरीज एंड स्टाइल फ्री होते हैं। फ्रूट कैसा है? फॉलिकल है। ठीक है, अब मैं एक स्लाइड आपको और शो करती हूँ फ्लोरल डायग्राम की। ये देखना बेटा, ये है एस्क्लेपियास का फ्लोरल डायग्राम है। एक ये वाला दिखा रहा है आपको, पांच तो बाहर, इसको एनलार्ज कर सकती हूँ तो करती हूँ मैं आपके लिए। ये देखना बेटा, हाँ अब अपन बात करते हैं इसकी, एस्क्लेपियास की। ये तो हो गई बात। अब आती है एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ एस्क्लेपियास की। स्लाइड शेयर मैं करती हूँ आप लोगों के साथ।
पहले तो ये देख लेना बेटा कैलोट्रोपस प्रोसेरा का ये है। कैलोट्रोपस प्रोसेरा में आपको क्या दिखाया गया है ये वाली स्लाइड में, आपको ये तो जो है नीचे की ओर पोलिनिया है जो कि रेटिनेक्यूलम के द्वारा कॉर्पस क्यूलम से अटैच्ड है। तो इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, पोलिनिया है और जो कि रेटिनेक्यूलम के द्वारा कॉर्पस क्यूलम से अटैच्ड है। इसी प्रकार ये कैलोट्रोपस का फ्लोरल डायग्राम दिखाया गया है। तो फ्लोरल डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, कैलिक्स मतलब बाह्य दल कितनी है बेटा, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 तो बाह्य दल है जो कि पृथक है। ये देख रहे हो डायग्राम में जो बाह्य दल आपस में जुड़े हुए नहीं है और इनका विन्यास कैसा होता है, कोणशादी इम्ब्रिकेट विन्यास होता है। नीचे देखना बाह्य दल का दल कितनी है, मतलब पेटल्स है 5 जो कि आपस में यूनाइटेड है, तो क्या बताया था, संयुक्त है, तो टर्म हो गया गेमोपेटेलस। अब एंड्रोशियम मैंने बताया था कि पुंकेसर 5 है और ये पुंकेसर के जो पराग कोश है बेटा, आप पराग कोश एवं वर्तिका वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र माने स्टिग्मा, पराग कोश एवं वर्तिकाग्र आपस में जुड़कर एक गाइनोस्टिजियम का निर्माण करते हैं। तो आप देख रहे हो और जो जायांग है वो भी अंडपी जायांग है जो कि आप देख रहे हो इसमें। तो अपन अब देखते हैं एस्क्लेपियास, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो आप एस्क्लेपियास का है, कुरासाविका। इसको मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब इसको अपन एक्सप्लेन नहीं किया कि ये तो कैलोट्रोपस प्रोसेरा का है। आप देखना एस्क्लेपियास कुरासाविका ये भी किसमें सम्मिलित किया गया है, एस्क्लेपियाडेसी कुल में सम्मिलित किया गया है। तो हैबिट में क्या है, एस्क्लेपियास एक बहुवर्षीय शाक है, पेरिनियल श्रब है और एस्क्लेपियास कुरुसाविका की रूट कैसी है, टैप ब्रांच रूट है, टैप है, टैप रूट पाई जाती है और जो कि ब्रांच होती है और पेरिनियल है। इसी प्रकार एस्क्लेपियास में स्टेम कैसा होता है, तना कैसा होता है, स्टेम कैसा है, इरेक्ट है, ऊर्ध्व है और स्टेम हर्बेशियस है, शाकीय है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है, सॉलिड है, ठोस है, ब्रांच्ड है एवं ग्रीन है। स्तंभ कैसा है, स्टेम कैसा है, ग्रीन है, हेरी है और स्टेम में एस्क्लेपियास के स्टेम में लेटेक्स पाया जाता है, मतलब दूधिया पदार्थ लेटेक्स पाया जाता है। इसी प्रकार एस्क्लेपियास कुरासाविका में पत्तियां कैसी होती हैं, ये पत्तियां अपोजिट डिकासेट होती हैं, सम्मुख क्रॉसित क्रम में व्यवस्थित होती हैं और लीफ सिंपल होती हैं, सरल होती हैं, कैसी हैं, सरल हैं, पिटियोलेट हैं, पिटियोलेट का मतलब है सेवरंथ होती हैं और एक्स स्टिपुलेट होती हैं, मतलब एस्क्लेपियास कुरासाविका की पत्तियों में अनुपण अनुपस्थित होते हैं। एंड द लीव्स आर लैंसियोलेट, लीव्स एंटायर होती हैं, ठीक है, एक्यूमिनेट यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट विनेशन पाया जाता है, पत्तियों में शिरा विन्यास एक श्रीय जालिकावत पाया जाता है। इसी प्रकार जब अपन एस्क्लेपियास में क्या देखते हैं, इनफ्लोरेसेंस पुष्पक्रम कैसा मिलता है, पुष्पक्रम है एक्सिलरी अम्बेलेट साइम, मतलब कक्षस्थ छत्र की सीमाक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है। इसी प्रकार एस्क्लेपियास कुरासाविका में पुष्प कैसा होता है, फ्लावर इज इब्रेक्टेट, मतलब फ्लावर में ब्रैक्ट्स नहीं पाई जाती, ठीक है, और ये पेडिसिलेट होता है, सेवरंथ होता है, फ्लावर कंप्लीट होता है, कंप्लीट माने पुष्प पूर्ण होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, द्विलिंगी होता है, त्रिज्या सममित एक्टिनोमॉर्फिक होता है। तो इस प्रकार अपन एस्क्लेपियास में, मीनू कुमारी बैरवा आई है, मैं इनको एडमिट कर देती हूँ, मीनू कुमारी बैरवा। इसी प्रकार एस्क्लेपियास में फ्लावर कैसा है, पुष्प पेंटामेरस है, हाइपोगाइनस है, मतलब ओवरी सुपीरियर और पर्पल येलो कलर का फ्लावर होता है, पुष्प होता है। अब अपन देखते हैं एस्क्लेपियास की बात चल रही है,
तो एस्क्लेपियस कुरासाविका में जो कैलिक्स है कितनी है, सेपल्स पांच होती है, मतलब जो बाह्य दल है वो पांच होते हैं और ये सेपल्स फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो अपन क्या नाम देते हैं, पॉली सेपेलस, एंड द सेपल्स आर ग्रीन। सेपल्स क्या होती हैं, बाह्य दल हरी होती हैं, वे इनका जो विन्यास है क्विंकेंशियल होता है। इसी प्रकार एस्क्लेपियास में पेटल्स पांच होती हैं, दलपत्र पांच होते हैं, ये दलपत्र आपस में यूनाइटेड होते हैं, संयुक्त होते हैं, तो नाम क्या दिया गया, क्या कहेंगे इसको, गेमो पेटेलस। और पेटल्स रिफ्लेक्स होती है, वह विन्यास कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है, व्यावर्तित होता है। अब बात करते हैं कोरोना की, फाइव फ्लैशी लेटरली कॉम्प्रेस्ड कलर्ड कोरोनरी आउटरोड्स रेडिएटिंग फ्रॉम स्टेमिनल कॉलम, मतलब एस्क्लेपियास में कोरोना उपस्थित होता है और मतलब पांच मार्सल कलर कोरोनरी अतिवृद्धियां दिखाई देती हैं। इसी प्रकार एस्क्लेपियास में जो स्टेमेंस हैं, पुंकेसर पांच होते हैं, फिलामेंट्स कोनेट फॉर्मिंग ए स्टेमिनल ट्यूब अराउंड द ओवरी, जो फिलामेंट्स हैं वो एक स्टेमिनल ट्यूब पुंकेसरी नाल का निर्माण करते हैं ओवरी के चारों तरफ। एंथर्स फ्यूज टू बी टू द मार्जिन्स ऑफ द पेंटा एंगुलर स्टिग्मेटिक डिस्क फॉर्मिंग गाइनोस्टीजियम, मतलब एस्क्लेपियास कुरासाविका में जो कि फैमिली एस्क्लेपियाडेसी में आता है, उसमें जो एंथर्स है पराकोष है वो एक पेंटा एंगुलर वर्तिकाग्र डिस्क से संयोजित होकर गाइनोस्टीजियम का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पोलन ग्रेन्स एग्रीगेटेड into 10 small vesicle like pollinia, each anthers possessing 2 pollinia, प्रत्येक anther में 2 pollinia होते हैं। तो ये देख रहे हो आप इसका floral diagram, इसका Asclepias kurasavica का। अब gynoecium इसमें कैसा होता है, Asclepias में bicarpellary होता है, diandapy होता है, syncarpus होता है, मतलब युक्तांडपी होता है, एंड द ओवरी इज सुपीरियर, अंडाशय कैसा होता है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है, यूनिलोक्युलर होता है, और जो प्लासेंटेशन होता है वो मार्जिनल होता है, सीमांत प्लासेंटेशन पाया जाता है, मार्जिनल प्लासेंटेशन विथ मैनी ओव्यूल्स, स्टिग्मा इज 5 एंगल्ड एनलार्ज एंड स्टिग्मेटिक हेड इज प्रोमिनेंट एंड पेंटा एंगुलर। तो ये है फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैमिली एस्क्ले ऑफ द फ्लावर एस्क्लेपियास। अब ये देख रहे हो आप एस्क्लेपियास फैमिली में मैंने क्या बताया, जो सेपल्स हैं एस्क्लेपियास में वो पांच हैं, और ये फ्लोरल डायग्राम में देख रहे हो जो कि आपस में फ्री हैं, तो पॉलीसीपेलस कंडीशन है, और ये सेपल्स कैसी हैं, ग्रीन है, और नीचे अपन ने दिखाई है पेटल्स, तो पेटल्स कैसी हैं, आपस में संयुक्त हैं, और दलपत्र पांच हैं, और जब ये दलपत्र पेटल्स फ्यूज्ड हैं, यूनाइटेड हैं, तो इसको बोलेंगे गेमो पेटेलस। और अपन देख रहे हैं बीच में क्या है, एक तो है आपका गाइनोशियम और एंथर्स, मैंने बताए थे आपको जो एंथर्स स्टिग्मेटिक डिस्क के साथ फ्यूज होकर क्या बना रहे हैं बेटा, एक गाइनोस्टीजम का निर्माण कर रहे हैं, और इसमें कोरोनरी